आइए भक्तों, आज सुनते हैं चैती छठ व्रत कथा एवं पौराणिक कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठ माता की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। कथा के अनुसार चैती छठ पर्व चैत महीने में नवरात्रि के दौरान आता है। इस पर्व में सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। हर साल ये पर्व मई या अप्रैल के महीने में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ छठ पर्व करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। छठ पर्व वाले दिन छठी मैया की ये कथा पढ़ना या सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठ मैया की जय। चैती छठ व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा के साथ छठ माता की पूजा भी विधान है। कहते हैं इस व्रत को करने से संतान को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और अंगराज कर्ण ने सूर्य पुष्टी पूजा की शुरुआत की थी। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। कहते हैं इसके बाद से छठ व्रत को समृद्धि पाने के लिए भी रखा जाता है। छठ व्रत की दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र पुष्टि यज्ञ करवाकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई और खीर खिला दी। इस खीर को खाने से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत अपने पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई, जो देवी पुष्टि थी। देवी ने राजा से कहा कि हे राजा, तू मेरा पूजन करो और लोगों को भी इस पूजा के लिए प्रेरित करो। इस व्रत को करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजा ने अपने पुत्र इच्छा से देवी पुष्टि का व्रत किया और उन्हें फिर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठ पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की पुष्टि तिथि पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ के नाम से जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पुष्टि पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ मनाए जाते हैं। ये व्रत मुख्यतः पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। चैती छठ पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, यहाँ जाने पूरी जानकारी। छठ पूजा सामग्री लिस्ट: बांस का पीतल का सूप, दूध और जल के लिए गिलास, चम्मच, लड्डू, दूध, जल, शहद, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, धूप बत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, ऋतु फल, कलावा, सुपारी, फूल और माला, शरीफा, दूध से बनी मिठाइयाँ, बड़ा वाला नींबू, सिंघाड़ा, सुथनी, शकरकंद, मूली, बैगन, हल्दी, नाशपाती, पत्ते लगे हुए ईख, केले, गेहूँ, सूर्यों को अर्घ देने के लिए तांबे का कलश, बड़ी कटोरी, थाली, दीपक, खाजा, गुजिया, गुड़, अदरक का पौधा, चावल, आटा इत्यादि। छठ पर्व के तीसरे दिन बढ़ती छठ पूजा के सामान और प्रसाद को एक टोकरी में लेकर तालाब या नदी या किसी घाट पर जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। इसके बाद अगले दिन
गुजरते हुए सूर्यदेव को अर्घ देकर व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय।